इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े क्रिकेट महासंग्राम के बारे में। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल आईपीएल के इतिहास में नया अध्याय लिखा जाएगा और मगध वॉरियर्स के नाम से बिहार की टीम आईपीएल के अगले संस्करण यानी कि 2018 में हिस्सा ले सकेगी। कुछ समय पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आदित्य वर्मा ने सबको बताया था कि मगध वॉरियर को सपोर्ट करने के लिए अनेक कारोबारी घराने सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। हालांकि खिलाड़ियों के चयन में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन जिसके बावजूद मगध वॉरियर में बिहार के कम से कम 3 खिलाड़ियों का होना तो लगभग तय है। ध्यान रहे कि आदित्य वर्मा ने लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बीसीसीआई के पुनर्गठन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और जीती भी है। ये आदित्य वर्मा ही है जिनके प्रयासों के बाद अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई से जाना पड़ा था। आदित्य वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और नतीजे में यह फैसला आया कि नेताओं को बीसीसीआई छोड़ना होगा। वैसे बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को पूर्ण मान्यता दे दी है। आपको बता दें कि पिछले 16 साल से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वनवास झेल रहा था। दरअसल लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए बनी सीओए की तरफ से नया संविधान बीसीसीआई के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ ही करेगी और यह संघ बोर्ड की पूर्ण सदस्य होगी। किसी भी एक समय एक राज्य से एक से ज्यादा संघ बोर्ड की पूर्ण सदस्य के हकदार नहीं होंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।